Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मित्रों स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल नंबर 26 में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आ, साइबर अपराध के इस कोर्स में मॉड्यूल नंबर सेवन वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक विधि संघ के समक्ष दोबारा प्रस्तुत हूँ और आज हम मॉड्यूल नंबर सेवन में ऑनलाइन दुनिया में व्यक्तिगत डेटा प्रिवेसी व्यक्तिगत डेटा निजता या व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता के बारे में आपसे चर्चा करेंगे व्याख्यान क्रमांक छः में हमने प्रिवेसी और इंक्रिप्शन की चर्चा की थी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो है ऑनलाइन दुनिया में व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता क्या होती है कैसे सुनिश्चित की जा सकती है की बात करेंगे ओ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे ये मित्रों हमारे आज की विषय सूची है और हम इसमें जो है बात करने वाले हैं आ, कि जो भी ओ के सिद्धांत हैं आठ सिद्धांत हैं उनकी बात करेंगे नई तकनीक के युग में गोपनीयता क्या मायने रखती है अन्य देशों में क्या विनियमन या रेगुलेटरी मॉडल्स चल रहे हैं आ, बहुत सारे देशों में अलग अलग मॉडल्स हैं यू की थोड़ी सी बात करेंगे इंग्लैंड की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अमेरिका को केस स्टडी के रूप में लेते हुए थोड़ी सी अधिक बात करेंगे डेटा प्राइवेसी की विश्व में अलग अलग देशों में डेटा प्राइवेसी को लेकर अलग अलग स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोटेक्शन है कोई एक यूनिफॉर्म अंतरराष्ट्रीय मानक नहीं है आ, अमेरिका में गोपनीयता किस तरह से होती है आ, बच्चों और आ, बड़ों दोनों के लिए व्यसक एवं अव्यसक दोनों के लिए आ, अलग अलग नियम है आ, सेल्फ रेगुलेशन होता है के केस में और बच्चों के लिए एक नया कानून बन गया है पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर छः में हमने थोड़ी सी उसकी बात की थी अब और बात करेंगे फेडरल ट्रेड कमीशन ने एक कांग्रेस को रिपोर्ट दी इमीडिएटली कुछ ही महीनों के भीतर कांग्रेस ने उस पर कानून बना दिया uh, बच्चों के लिए फेडरल ट्रेड कमीशन ने वकालत की थी बड़ों के लिए भी होना चाहिए लेकिन बड़ों के लिए इस कानून को एक्सटेंड ना करते हुए केवल बच्चों की ऑनलाइन प्रिवेसी के लिए कानून बना है उस कानून का नाम है सी ओ पी पी ए चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्रिवेसी प्रोटेक्शन एक्ट ब्रिटेन में एक कानून है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ब्रिटेन में डेटा प्रिवेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यूरोपीय देशों में डेटा प्राइवेसी के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं यूके के जो लॉ है अंग्रेजी जो कानून है उसके तहत जो डेटा संरक्षण कैसे होता है उसकी बात करेंगे आ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो हमारा है उसमें डेटा प्र, प्रोटेक्शन को लेके गोपनीयता को लेके ऑनलाइन डेटा प्रोटेक्शन को लेके क्या प्रावधान है एक ही सेक्शन है उसकी हम बात करेंगे और वो भी सेक्शन बहुत सिंपलिस्टिक है आ, केवल जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी अगर वो प्रिवेसी को लीक करते हैं उसके लिए सजा का प्रावधान है फाइन का प्रावधान है बट कोई आम आदमी अगर करे डेटा का लीक डेटा का गलत इस्तेमाल उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है हमारे कानून में शायद हमारी संसद जब ये कानून बना रही थी तो उनको इस विषय में ज़्यादा जानकारी ना हो ऐसा हो सकता है क्योंकि यूरोप के देश और अमेरिका वगैरह ने भी अपने कानून जो है दो के आसपास ही बनाए हैं और हमारा भी उसी समय का कानून है और क्योंकि हमारा इंटरनेट का ग्रोथ ग्रोथ उनके ग्रोथ से कुछ 20, 25, 30 साल पीछे चल रहा है तो हो सकता है जो समस्याएं उनको नब्बे और दो हजार के बीच आई वो हो सकता है हमें आने वाले दस बारह वर्षों में आए आ, तो भविष्य में क्या होने वाला है उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हुए अपनी आ, ये हमारी विषय वस्तु है Uh, मित्रों सबसे पहले मैं आपको जो है रॉजर क्लार्क जो एक बहुत सेलिब्रेटेड कंप्यूटर साइंस और लॉ के प्रोफ़ेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी में uh, ये ऑस्ट्रेलिया uh, के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है ऑस्ट्रेलिया uh, का तीसरा या दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और वहाँ पे ये बहुत सेलिब्रेटेड विजिटिंग प्रोफेसर हैं उन्होंने एक बात कही और मैं अपनी परिचर्चा का प्रारंभ उन्हीं के शब्दों के साथ करना चाहता हूं वो कहते हैं प्रिवेसी इज द इंटरेस्ट दैट इंडिविजुअल्स हैव इन सस्टेनिंग अ पर्सनल स्पेस दिस पर्सनल स्पेस शुड बी फ्री फ्राम इंटरफेरेंस बाई अदर पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस मसलन वो ये कहना चाहते हैं प्रिवेसी क्या है वो एक लोगों का इंडिविजुअल व्यक्तियों का एक ऐसा आ, सोचने का नज़रिया है कि वो आ, एक अपनी पर्सनल स्पेस एक अपनी निजी ज़िंदगी चाहते हैं और मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि निजी और सार्वजनिक में आ, अंतर होना चाहिए हमेशा आ, निजी ज़िंदगी को आपको प्रोटेक्ट करने का पूरा पूरा अधिकार है है।, प्राधिकार है हर एक इंडिविजुअल को हर एक व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी को संरक्षित करने का अधिकार है इसमें दूसरे लोगों की घुसपैठ नहीं होनी चाहिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन समूह संगठन यहां तक कि इवन सरकार की आ, दखल नहीं होनी चाहिए यही बात हमारे सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों ने कही है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी के केस में जब एक इक्यानवे वर्षीय सेवानिवृत्त कर्नाटका हाईकोर्ट के जज पहुंच गए थे आ, ये आ, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आर्टिकल 32 के पटिशन में और ये कह रहे थे कि आधार क्योंकि मैंडेटरी कर दिया गया है हर तरह की सेवाओं के लिए मोबाइल कनेक्शन के लिए तो ये जो है अनावश्यक रूप से लोगों की गोपनीयता निजता में घुसपैठ था तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और प्रिवेसी को जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया मित्रों इस इंटरेस्ट इस रुचि का एक आयाम ये है कि जो व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता है जिस डेटा को हम डेटा प्रिवेसी कहते हैं इस या या जो इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी है सूचनीय सूचना की गोपनीयता सूचनात्मक गोपनीयता के रूप में जिसे हम जानते हैं ये जो है आ, आ, इस, इसको इसक, इसके दो आयाम हैं दो एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी प्रिवेसी है आ, हमें यह समझना होगा कि व्यक्ति जो है वैध रूप से दावा कर सकते हैं कि उनके द्वारा ये जो डेटा है ये उनकी अनुमति के बिना किसी और को उपलब्ध ना कराया जाए जो हमारी अभी तक की बात है उसका सार उसकी समरी उसका जो तत्व है वो ये है जहाँ तक कि डेटा किसी अन्य निकाय यानी कि संस्था या व्यक्ति के पास है ऐसा डेटा उपयोग में लाने के लिए पर्याप्त नियंत्रण उपयोग होगा या नहीं होगा वो इन्हीं व्यक्ति के हाथ में में होना चाहिए जिसका वो डेटा है ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं डेटा सब्जेक्ट मान लीजिए मेरे बारे में कुछ डेटा है आ, कि मे मेरा जन्म कहाँ हुआ मेरी आयु क्या है तो मैं डेटा सब्जेक्ट हो जाता हूँ सभी व्यक्ति अपने बारे में जो डेटा है उसका संचालन यानी कि हैंडलिंग को नियंत्रित या प्रभावित करने का पूरा पूरा हक रखते हैं और ये सभी स्वाभाविक सी चीज़ें हैं कि व्यक्ति जो है ऐसे तंत्र की आवश्यकता महसूस करते हैं जब वो उनके पास अपने से संबंधित डेटा का कंट्रोल हो आ, क्योंकि आने वाले समय में डेटा ही सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट वस्तु हो गया देखिए मित्रों आजकल सबके पास फ़ोन है और सबके फ़ोन में 4G इंटरनेट है तो आ, आ, कोई स्टूडेंट दूसरे से अच्छा स्टूडेंट कैसे माना जाएगा क्योंकि डेटा या जानकारी आप दो मिनट में देख लीजिए आपको पता चल कि अकबर के पिताजी कौन थे और हुमायूं कौन सी जंग में लड़ा था और अयोध्या में राम मंदिर कौन से सन में स्थापित हुआ था और उसकी पुनर्स्थापना अभी 2024 में हुई है ये सारी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी ये डेटा है पर अच्छा स्टूडेंट वो होगा जो डेटा को संग्रहित करके आंसर बना सके तो आने वाले समय में डेटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और ख़ास तौर से जो पर्सनल डेटा है आपने कभी देखा होगा आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और आप जो है अपना नंबर ही फ़ोन नंबर ही डायल करते हैं और उनको आपके बारे में सब कुछ पता है आपने पिछली बार पिज़्ज़ा कब मंगाया था आपने कौन सा पिज़्ज़ा मंगाया था कौन सी उस पर टॉपिंग थी आपने कितना बड़ा पिज़्ज़ा मंगाया था आपका एड्रेस क्या है आपका ऑफिस का एड्रेस क्या है अगर आप ऑफिस के एड्रेस पर भी ना चुके हैं या आपने किसी दोस्त के घर पे भी मंगाया हुआ है वो एड्रेस भी उनके पास है तो ये जो है सिमिलरली आप आ, किसी होटल को फोन करते हैं रेस्टोरेंट को फोन करते हैं अगर आप पहले वहाँ फोन कर चुके हैं तो उनके पास आपके फोन नंबर्स और से जुड़ी हुई आपकी सारी जानकारी होती है सो तो ये ये कई बार काफी डरावना भी होता है कि लोगों को हमारे बारे में कितना कुछ पता है और आ, कितना सब जो है जैसे ये जो आपको अनावश्यक रूप से जो टेलीफोन कॉल्स आते रहते हैं ये सामग्री खरीद लीजिए वो खरीद लीजिए एट्सेट्रा एट्सेट्रा लोगों को वो कैसे पता चलता है क्योंकि आपका डेटा किसी ने बेच दिया है उनको आ, सो सो हमें जो है लॉ में संतुलन बनाने का काम करना है और डेटा गोपनीयता डेटा प्रिवेसी के संरक्षण के साथ साथ हमें जो है आ, बाकी प्रतिस्पर्धी जो कंपीटिंग इंटरेस्ट है उनका भी ध्यान रखना है जो ओ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट वाले जो देश हैं जो ओ में आते हैं उन्होंने आठ सिद्धांत बनाए हैं आठ बुनियादी सिद्धांत बनाए हैं जिनका नेशनल एप्लीकेशन होगा राष्ट्रीय अनुप्रयोग होगा भारतवर्ष ओ देश तो नहीं है बट प्रिवेसी से संबंधित डेटा प्रिवेसी से संबंधित जो उन्होंने आठ बुनियादी सिद्धांत बनाए हैं वो हमने भी एक्सेप्ट किए हैं और वो हमारा जो पी एक्ट है पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो अगस्त 2000 तेईस में लागू किया गया है उसमें ये सभी आठ सिद्धांतों को पाया जाता है इसलिए मैं इन आठों सिद्धांतों की बात करना चाहूँगा सर्वप्रथम हम बात करते हैं संग्रह सीमा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है देर आर लिमिट्स ऑन फॉर वॉट पर्पज द डेटा इज कलेक्टेड ये डेटा जो है किस पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया जा रहा है ये संग्रह की सीमाएँ हैं डेटा जो है वैध और निष्पक्ष साधनों द्वारा ही प्राप्त किया जाना चाहिए और जहाँ तक हो सके डेटा सब्जेक्ट की या तो सहमति होनी चाहिए मतलब उसको हाँ बोलना चाहिए उसने और या फिर उसको ज्ञान होना चाहिए कि डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसको नॉलेज होनी चाहिए और ये डेटा कलेक्ट करने से पहले बिफोर कलेक्शन ऑफ डेटा आ, दूसरा सिद्धांत है डेटा क्वालिटी यानी कि डेटा की गुणवत्ता का व्यक्तिगत डेटा जिस उद्देश्य से कलेक्ट किया जा रहा है वो उद्देश्य प्रासंगिक होना चाहिए वो अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए आ, वो डेटा जो है सटीक होना चाहिए कंप्लीट यानी कि पूर्ण होना चाहिए और उद्यतन यानी कि अपडेटेड रखा जाना चाहिए आ, ये नहीं कि आप 10 साल पुराना डेटा बता रहे हैं इसीलिए भारतवर्ष में भी कहते हैं कि आधार को हर 10 वर्ष में आपको अपडेट कराना है अपनी तस्वीर अपने बायोमेट्रिक्स अपने आ, जो भी एड्रेस इत्यादि फिर तीसरा जो है उद्देश्य विशिष्टता जिस पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए आपने उसको डेटा को संग्रह किया है वही पर्पस के लिए वो उस डेटा का प्रयोग होना चाहिए अन्य किसी पर्पस के लिए अन्य किसी उद्देश्य के लिए उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते और अन्य किसी प्रयोग में अगर आपको लाना है तो आपको फिर से कंसेंट लेनी पड़ेगी केवल उन्हीं उद्देश्य तक सीमित होना चाहिए जिसके लिए डेटा पूर्व में एकत्रित किया गया है उसी उसी पर्पस के लिए इसको यूज करना है फिर उपयोग उपयोग किस चीज़ के लिए डेटा का कभी भी किसी भी सूरत में खुलासा या डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए ये आ, किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए केवल तभी करना चाहिए जब या तो डेटा सब्जेक्ट की सह, सहमति हो या वो लॉ एंड ऑर्डर पर्पस कानून के लिए हो अन्यथा इसको किसी और को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए और किसी और पर्पस के लिए इसका उपयोग या प्रयोग नहीं करना चाहिए सिवाय उसके जिस पर्पस के लिए उसको कलेक्ट किया गया है उदाहरण के तौर पर जैसे आप पेट्रोल भरानाने जाते हैं आपकी गाड़ी में और आपको जो है वहां पे पेट्रोल पम्प के कर्मचारी कहते हैं आप ये फॉर्म भर दीजिए ये फॉर्म भर देने से आपको जो है लकी ड्रॉ में नाम आएगा और आपको होटल ट्रिप मिलेगी और ये और वो मित्रों ऐसा कुछ भी नहीं होता है ये झांसा है ये झूठ है आ, ये केवल आपका डेटा कलेक्ट करके और जो है टेली मार्केटर्स को बेच देते हैं और आपको जो फ़ोन कॉल्स आनी वो शुरू हो जाती है फिर जो डेटा कलेक्ट करते टाइम सुरक्षा के उपाय होने चाहिए आ, सुरक्षा के जो उपाय हैं डेटा को जो है अनाधिकृत रूप से एक्सेस कोई ना कर सके उसको जो है डिस्ट्रॉय ना कर सके उसका कोई उपयोग ना कर सके गलत उसमें कोई संशोधन ना नहीं कर सके उसको कोई डिस्क्लोज ना कर सके इन सभी जोखिमों के खिलाफ जो भी उचित सुरक्षा आपको मेंटेन करनी है डेटा कलेक्टर को वो हमेशा मेनटेन करनी चाहिए डेटा कलेक्टर कोई भी सर कारिया निजी एजेंसी हो सकती है जो ये डेटा एकत्रित कर रही है कोई भी वेबसाइट हो सकती है जो कुकीज के माध्यम से आपका डेटा इकट्ठा कर रही है या कोई भी आ, सरकारी तंत्र हो सकता है या कोई भी गैर सरकारी तंत्र हो सकता है जैसे कि मैंने उदाहरण दिया आ, आपने पिज्जा मंगाया और जो पिज्जा बेचने वाली कंपनी है उसने गैर सरकारी तंत्र है उसने आपका डेटा इकट्ठा कर लिया मित्रों ट्रांसपेरेंसी का सिद्धांत व्यक्तिगत डेटा से संबंधित जितनी भी प्रथा हैं जितनी भी नीति हैं जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनके संबंध में खुलेपन यानी कि ट्रांसपेरेंसी बहुत आवश्यक है ये एक सामान्य नीति है इसका पालन किया जाना चाहिए ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी के विषय में जस्टिस ब्रांडिस जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही विद्वान जज हुआ करते थे उन्होंने कहा है सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट एंड इलेक्ट्रिक लाइट इज द बेस्ट पुलिसमैन मतलब सूर्य की रोशनी सबसे अच्छा डिसइंफेक्टेंट है आ, सारे जर्म्स को मारने का तरीका है और इलेक्ट्रिक लाइट यानी कि कृत्रिम रोशनी ये जो है सबसे अच्छा पुलिसिंग का कार्य करती है देखिए कितनी अच्छी बात बोली ट्रांसपेरेंसी कितनी इम्पोर्टेंट है व्यक्तिगत डेटा का जो एग्जिस्टेंस है जो नेचर है इसके साथ साथ उसका उपयोग के लिए जो भी साधन है वो आसानी से उपलब्ध कराए जाने चाहिए मित्रों इसमें जो है व्यक्तिगत भागीदारी बहुत आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार होने चाहिए और वो क्या अधिकार है उनकी हम बात करते हैं डेटा नियंत्रक से वो कॉन्फर्मेशन ले सकता है पुष्टि ले सकता है कि क्या आपके पास मेरा डेटा है या नहीं ये एक अधिकार हो गया दूसरा उचित समय के अंदर उचित लागत पर उचित फॉर्मेट में जिसे वो समझ सके उसे संबंधित उचित तरीके से उसे अपने से संबंधित डेटा की सूचना मिलनी चाहिए मांगे जाने पर और यदि ये सूचना आप नहीं दे रहे हैं तो आपको इसके लिए आप यानी कि डेटा कलेक्टर आपको इसके लिए कारण बताने चाहिए और अगर आपने इनकार किया कारण बताने से तो डेटा सब्जेक्ट कोर्ट में या कहीं और आपके इस निर्णय को चुनौती देना उसके लिए संभव होना चाहिए उसके पास ये चुनौती देना संभव होना चाहिए और यदि वो चुनौती देने में सफल हो जाता है तो इस चुनौती को ये ये जो डेटा है इसको मिटाना गलत डेटा जो है इसको मिटाना सुधारा सुधारना कंप्लीट करना या संशोधित करने के लिए आपको बाध्य होना चाहिए एज द डेटा कलेक्टर और आपकी जवाबदेही होनी चाहिए आपको जो है इसके प्रति जो है जवाबदेही होनी चाहिए कि जो भी ये 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 सिद्धांत है ये अकाउंटेबिलिटी बहुत आवश्यक है मित्रों सो so, इसकी हम फिर एक बार देख लेते हैं आपको पुष्टि होनी चाहिए आपको उचित समय के भीतर बताया जाना चाहिए नहीं बताया जाए तो कारण बताए जाने चाहिए आ, उसको आपको चुनौती देनी चाहिए चुनौती देने की आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए और यदि ऐसा और 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 यदि आप सफल हो जाते हैं तो आपको आ, जो उसको पूरा करने के लिए आपको बाध्य होना चाहिए और डेटा नियंत्रक के ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसका है और जो ट्रांसपेरेंसी है इसका उल्लेख किया गया है सो ये आठ जो है के मित्रों सिद्धांत मित्रों नई तकनीक का जो युग है उसने बहुत सी चीजें बदल दी है तो जो सूचना की गोपनीयता में भी कुछ परिवर्तन लाए गए हैं जो इंडिविजुअल फ्रीडम है जो आत्मनिर्णय है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आ, ये जो 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 एक व्यक्ति की वेल बीलिंग की धारणा है इससे जोड़कर हमें प्रिवेसी को देखने की डेटा प्रिवेसी को देखने की आवश्यकता है आधुनिक जो तकनीक है विशेष रूप से कंप्यूटर और दूरसंचार की जो कन्वर्जेंस है उससे ऐसा वातावरण निर्मित हो गया है जहाँ की बहुत कम कॉस्ट पर बहुत कम बहुत ही आ, कम एफर्ट से बहुत आसानी से बहुत कम लागत से एक बहुत सारी व्यक्तिगत जानकारी बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में आपको मिल जाती है एक बड़ा सारा एक ऐसा पूल ऑफ इंफॉर्मेशन पैदा हो गया है मित्रों आधुनिक प्र, जो प्रणाली है ये जो दो प्रणाली मैंने आपको बताई कंप्यूटर और दूरसंचार इनकी जो इंटरबिलिटी है इसने छोटे छोटे से व्यवसायी के लिए भी भी दुनिया में लगभग कहीं पहचाने जाने योग्य पर्सनल डेटा विस्तृत जानकारी एकत्रित करना संभव बना दिया है विश्लेषण करना संभव बना दिया है कौन सा व्यक्ति कितनी देर किस वेबसाइट पर रहता है कौन सा व्यक्ति कितनी देर कितने महीने बाद कौन सा प्रोडक्ट खरीदता है आ, ये सब डेटा का एनालिसिस किया जा सकता है मित्रों इस परिपेक्ष में अगर हम देखें तो गोपनीयता का मुद्दा उसका जो है नेचर और उसका जो है स्कोप और उसका जो 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 साइज है ये सब बहुत बढ़ गए हैं पूर्व के किसी भी समय से बहुत ज़्यादा भिन्न है आज की जो आपके सामने चुनौतियां हैं साइज़ में स्कोप में नेचर में हर तरह से अलग हैं सभी बिज़नेसेस को सभी बिज़नेसमैन को आ, डेटा की जो 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 जो, जो कस्टमर का पर्सनल डेटा है उसके महत्व उसकी सुरक्षा के महत्व को समझना होगा क्यों समझना होगा क्योंकि अगर कस्टमर को सिक्योरिटी का आभास नहीं है कस्टमर को कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस वेबसाइट पे मैं जाऊंगा मेरे डेटा को सिक्योर रखा जाएगा तो वो कस्टमर कभी भी आ, वो संकोच करेगा आ, इंटरनेट पे शॉपिंग करने से और आपके बिजनेस पे आकर शॉपिंग करने से तो ऐसा आपके बिजनेस के लिए तो गुड न्यूज नहीं है तो ये आपको समझना होगा कि ऑनलाइन व्यवसाय तभी चलेगा जब आ, कस्टमर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वातावरण पे भरोसा करने लगे आपकी वेबसाइट पे भी भरोसा करने लगे दोनों चीजें हैं मैक्रो लेवल पे इंटरनेट व्यवसाय ई कॉमर्स पे भरोसा करें उसकी सिक्योरिटी सिस्टम तंत्र पे भरोसा करें और माइक्रो लेवल पे आपकी वेबसाइट आपके बिजनेस के सिक्योरिटी फीचर्स के, आ, की सुरक्षा प्रणाली में भी उसको कॉन्फिडेंस हो आ, मित्रों बच्चों से एकत्रित की गई जानकारी के बारे में विशेष चिंता है बच्चों के बारे में कहा जाता है वो मन के सच्चे वो किसी भी बात को जो है गहन अध्ययन किए बिना जवाब दे देते हैं इसीलिए जो है आप अगर किसी कारणवश किसी एक व्यक्ति का फ़ोन नहीं उठाना चाहते हैं और आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि बोल दो पापा जो है नहा रहे हैं तो बच्चा फ़ोन उठा के बोल देगा पापा बैठे तो यहीं हैं पर कह रहे हैं कि वो नहा रहे हैं तो इस तरह का काम बच्चे कर देते हैं उनको क्योंकि वो सारी जानकारी बच्चे से आप पूछेंगे कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो तो वो बता देगा मैं चौथी क्लास में बी सेक्शन में पढ़ता हूँ मैं फलाने फ़लाने स्कूल में पढ़ता हूँ मेरे इंग्लिश टीचर का नाम फलाना फ़लाना है मेरी हिस्ट्री टीचर का नाम फलाना फलाना है आपने उससे एक सवाल पूछा बेटा कौन सी क्लास में हो और उसने आपको दस जवाब दे दिए तो ऐसे ही बच्चे जो है ऑनलाइन भी अपने बारे में डेटा खूब बताते हैं और क्योंकि ये बच्चे जो विशेष रूप से इतने अपरिपक्व होते हैं कि इनके पास ये सभी पहलुओं को समझने जानने की शक्ति नहीं होती है तो इसलिए ये बहुत ज्यादा गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि बच्चों का इंटरनेट पर प्रचलन खूब बढ़ गया है दुनिया भर में कोविड के बाद से मित्रों अन्य देशों की अगर हम बात करें क्योंकि हम ये सीखना चाहते हैं कि भारतवर्ष को कैसा मॉडल अपनाना चाहिए तो अन्य देशों के रेगुलेटरी मॉडल की अगर हम बात करें तो विभिन्न देशों ने विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं डेटा की स्टोरेज यानी कि भंडारण डेटा की प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण ये जो है गंभीर चिंता के विषय हैं इनका जो है सेल्फ रेगुलेशन की कोई बात करता है कोई कहता है थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए भरोसेमंद ट्रस्टेड थर्ड थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए कोई कहता है विधान यानी कि लॉ के द्वारा इसका आ, आ, इसको टैकल किया जाना चाहिए मित्रों ये तीनों ही तरीके जो हैं एक लॉ एक थर्ड पार्टी ऑडिट और एक सेल्फ रेगुलेशन ऐसा देखा गया है कि सभी देश इन तीनों का एक मिक्सचर यूज कर रहे हैं इन तीनों किस्म की चीजों को यूज कर रहे हैं किसी देश में सेल्फ रेगुलेशन ज्यादा है मसलन अमेरिका और किसी देश में कानून ज़्यादा है मसलन यूके और कहीं पे थर्ड पार्टी ऑडिट पे जोर ज़्यादा है बट तीनों ही देश ये तीनों ही चीज़ें कर रहे हैं सभी देश जो है तीनों ही चीज़ें कर रहे हैं सभी देश अधिकांश देश तीनों दृष्टिकोण कोण का समायोजन करते दिखाई दे रहे हैं अमेरिका uh, को हम की एक केस स्टडी के रूप में uh, के रूप में ले रहे हैं क्योंकि इंटरनेट का प्रचलन सबसे अधिक वहीं है और हम उसको आने वाले कुछ मिनटों uh, uh, में जो है अमेरिका का जो नियामक मॉडल है जो रेगुलेटरी मॉडल है फॉर ऑनलाइन डेटा प्राइवेसी उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे मित्रों 1996 में कांग्रेस uh, ने जो उनकी पार्लियामेंट है उसने जो है आ, आ, इसको फेडरल ट्रेड कमीशन यानी कि एफटीसी को कहा कि आप जो है प्रिवेसी ऑनलाइन प्रिवेसी पे हमें जो है स्टडी करके एक रिपोर्ट बनाइए तो एफटीसी यानी कि फेडरल ट्रेड कमीशन यानी कि संघीय व्यापार आयोग इन्होंने उन्नीस में एक रिपोर्ट बना के कांग्रेस को दी उसका नाम था प्रिवेसी ऑनलाइन और इस रिपोर्ट में जो है आ, कहा कि तुरंत एक कानून बनाना चाहिए प्रिवेसी के लिए खासतौर पर बच्चों की प्रिवेसी को संरक्षित करने के लिए और इन्होंने जो है चार प्रमुख सिद्धांत बताए कि उपभोक्ताओं को व्यवसायिक इकाई जो बिजनेस एंटिटी है उसकी जो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हैं सूचना की प्रथाएं हैं उसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए ऐसी जानकारी सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर ही डली होनी चाहिए उपभोक्ताओं को सूचना के उपयोग या सूचना के प्रसार यानी कि डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या यूज ऑफ इंफॉर्मेशन के संबंध में विकल्प होना चाहिए कि वो इसमें हाँ बोलना चाहते हैं या ना बोलना चाहते हैं ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट की इनको सुविधा होनी चाहिए इनको ये भी बताया जाना चाहिए कि इनसे एकत्रित की गई जानकारी या इनके बारे में एकत्रित जानकारी आ, तक वो कैसे पहुंच सकते हैं उपभोक्ताओं को डेटा एकत्रित करने वाला जो व्यक्ति है डेटा कलेक्टर कहते हैं इस व्यक्ति को डेटा कलेक्टर से पर्याप्त सिक्योरिटी या सुरक्षा होनी चाहिए उसको कोई डर नहीं होना चाहिए कि अगर उसने डेटा देने से मना कर दिया तो डेटा कलेक्टर उसको किसी भी तरह से कोई हानि पहुंचाएगा मित्रों जैसा कि हमने बताया था आपको पूर्व में इस रिपोर्ट के पश्चात चार महीने के भीतर एक कानून बन गया जिसका नाम है कॉप्पा बट कॉप्पा केवल तेरह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ही था जो व्यसक हैं, जो एडल्ट हैं, उनके लिए अमेरिका में स्व विनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन की रेजीम है क्योंकि एफटीसी के अनुरोध के बावजूद जो है पार्लियामेंट ने आ, आ, जो कांग्रेस ने इस पर कानून नहीं बनाया और एफटीसी ने भी माना कि स्वनियमन लीस्ट इंक्लूसिव यानी कम से कम दखल देने वाला और सबसे कुशल साधन है अभी कानून की शायद आवश्यकता नहीं है बाद में एफ़ ने कहा नहीं अब समय आ गया है कि वयस्कों को भी डेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए कॉपा जैसा कोई कानून उनके लिए भी बनाना चाहिए बट पार्लियामेंट ने उस पर अमल नहीं किया है स्वनियमन केवल वहीं तक प्रभावी है मित्रों जिस हद तक व्यवसाय या व्यवसायी इस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं ये वो वाली बात हो गई मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर अगर आप इसका हिस्सा बनेंगे तो तो आपको इससे बेनिफिट या फायदा होगा और यदि आप नहीं बनेंगे तो आपको इससे कोई फायदा जो है वो नहीं होने वाला है आ, कई व्यवसाय इस अभियान कई बिजनेसेस इस अभियान में शामिल हो गए विभिन्न कारण से कुछ लोग आ, कुछ व्यक्ति कुछ बिजनेसेस सही में मानते थे कि डेटा गोपनीयता बहुत अच्छी चीज़ है वो इसके प्रति प्रतिबद्ध या कटिबद्ध थे और आ, कुछ लोग इसलिए जुड़ गए क्योंकि वो व्यवसायिक लाभ उठाना चाहते थे अच्छी इमेज प्रस्तुत करना चाहते थे लेकिन बहुत सारे अन्य बिजनेसेस अन्य व्यवसाय या व्यवसायी जो है सेल्फ़ रेगुलेशन की इस रेजीम पे नहीं जुड़े और उनको ना तो समझ है और ना वो जो है ऐसा कोई मेकैनज़म फॉलो करते हैं जिसमें कस्टमर के डेटा को सुरक्षित रखते हैं सो so, अब अमेरिका में हम अव्यसकों की अगर बात करें बच्चों की बात करें तो फेडरल ट्रेड कमीशन ने जो बच्चों से एकत्रित ऑनलाइन डेटा है उसके मामले में जो है कानूनी दृष्टिकोण जो है व्यसकों से अलग रखा है तो इसके लिए जो अमेरिका की जो कांग्रेस है जो पार्लियामेंट है उन्होंने चार महीने के भीतर ही ये रिपोर्ट आने के चार महीने के भीतर ही कॉपा चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर दिया जो भी व्यक्ति या वेबसाइट तेरह साल से कम के बच्चों का डेटा लेता है उन्हें अपनी जो है सूचना प्रथाएं जो भी पॉलिसी है की वो सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर डालनी होगी होगी हो थर्ड पार्टी के साथ जानकारी साझा अगर आपको करनी है थर्ड पार्टी के साथ तो माता पिता की अनुमति के बिना नहीं कर सकते माता पिता को नोटिस देना होगा माता पिता बच्चे से एकत्रित की गई व्यक्तिगत जानकारी को समय समय पर समीक्षा करने में सक्षम होंगे उनको यह अधिकार दिया है इत्यादि ऐसे जो है आठ दस और चीजें हैं कॉपा में एक सेफ हार्बर प्रोविजन है वो कहता है कि सर्टन सिचुएशंस में कुछ सिचुएशंस में जो औद्योगिक समूह हैं जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं और कुछ अन्य संगठन हैं वो सेल्फ़ रेगुलेटरी दिशा निर्देशों को भी अगर चाहते हैं कि सेल्फ़ रेगुलेटरी मैकेज़म अडॉप्ट कर लिया जाए वो बहुत रेप्यूटेड कंपनीज हैं उनको जो है ये ये सारी चीज़ों से मुक्ति दे दी जाए तो वो फेडरल ट्रेड कमीशन को अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से अनुमोदन प्राप्त होने पर वो सेल्फ़ रेगुलेशन पर भी जा सकते हैं मित्रों एक गोपनीयता सील यानी कि प्रिवी प्रिवेसी सील का एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जापान में इस तरह की प्रैक्टिस थी जो वहाँ की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बॉडी ने लॉन्च की थी अमेरिका में भी इस तरह की और जापान में हमने बताया था कि ये जो सबसे पहले एशिया में स्टार्ट हुआ था जापान uh, सूचना प्रसंस्करण डेटा केंद्र ने यह चालू किया था <laughs> अमेरिका में भी इस तरह की प्रथा जो है चालू हो गई और नब्बे के दशक में तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई ऐसे ही एक कंपनी है ट्रस्ट ई e, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे जो प्रिवेसी सील यानी कि गोपनीयता सील इशू करती है वेबसाइट्स को बिज़नेसेस को ये सील एक क्वालिटी सील है जो ये बता देती है भरोसा लोगों में ग्राहकों में उपभोक्ताओं में हो जाता है कि ये जो है आ, ये वेबसाइट अपने कुकीज़ को अपने जानकारी एकत्रित करने को जो है अच्छे से इसको प्रोटेक्ट करती है कस्टमर की प्राइवेसी को नुकसान नहीं होगा आ, सो ये ये जो सील कार्यक्रम हैं ये वेबसाइटों की पहचान कराते हैं जो अच्छी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस करती हैं और समय समय पर उनके अनुपालन को प्रदर्शित करती हैं कंप्लायंस को दर्शाती हैं ये जो है लाइसेंस धारी वेबसाइट्स आ, की जो सूचना प्रथाएं हैं उनको जो 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 सील प्राप्त करने की कोड है जो जो कंडीशंस हैं उनका अनुपालन करना पड़ता है और समय समय पर उसकी कंप्लायंस मॉनिटरिंग को दर्शाने की भी आवश्यकता होती है सो ज़ाहिर सी बात है कि ऐसा करने से जो जिस वेबसाइट के पास सील है उसमें लोगों का विश्वास अधिक होगा कि वो और अधिक तरीके से आ, लोगों की प्रिवेसी की संरक्षण कर रहे हैं Uh, मैंने पिछली साइड में आपसे ये ट्रस्ट ई की बात की थी अः uh, ये सबसे पुरानी प्राइवेसी सील इशूंग uh, ऑर्गेनाइजेशन है आ, अमेरिका में और ये एक इंडिपेंडेंट इन इंडिपेंडेंट इन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है अमेरिका में गोपनीयता मोहर यानी प्रिवेसी सील ग्रांट करने वाला पहला ऑर्गेनाइजेशन है और जो जो लाइसेंस एग्रीमेंट है वो नियंत्रित करता है कि लाइसेंसधारी जो है वो वेबसाइट के जो उपयोग करता है जो यूज़र है उसको व्यक्तिगत रूप से उसकी पहचान योग्य जानकारी कैसे एकत्रित कर रहे हैं कैसे उपयोग कर रहे हैं वो बताएगा मित्रों इसमें दो अधिक स्पेशल चीजें हैं ट्रस्टी में कि इसका जो दृष्टिकोण है जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत वाइड है वो बहुत व्यापक है इसमें कोपा के दिशा निर्देशों के आधार पर नोटिस पसंद पहुंच सुरक्षा आदि मानकों का अनुपालन अनिवार्य है आवश्यक है यदि आपको यह ट्रस्ट ई की सील चाहिए तो Uh, इसमें ऑन साइट जो चेकिंग है थर्ड पार्टी ऑडिट है uh, इसको बुलाया जा सकता है और ट्रस्टी प्लेटफॉर्म उपभोक्ता शिकायतों का हल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शिकायतें सार्वजनिक रिपोर्टिंग यानी कि पब्लिक रिपोर्टिंग भी करता है और उपयुक्त मामलों में ये शिकायतें शिकायतें जो है एफटीसी को भी भेज देता है सो so, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोग्राम है जो 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 वेबसाइट्स का प्रिवेसी ऑडिट भी करता है वेबसाइट्स की प्रिवेसी रैंकिंग भी देता है इत्यादि मित्रों अमेरिका के चर्चा करने के बाद अब हम परिचर्चा में आगे बढ़ते हुए ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम में जो डेटा संरक्षण कानून है ये उन्नीस का कानून है 1 मार्च 2000 की दिनांक से प्रभावी हुआ और अमेरिका की तुलना में अगर हम देखें तो व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा पर कानूनी ढांचा कहीं ज़्यादा सुदृढ़ है ये जो कानून है ये व्यक्तिगत जानकारी के प्रोसेसिंग प्रसंस करण के लिए नियम आधारित करता है, रूल बनाता है। कागजी रिकॉर्ड के साथ साथ कंप्यूटर पर संग्रहित जानकारी पर भी ये रूल्स लागू होते हैं। कोई भी संस्था जो व्यक्तिगत डेटा को संशोधित करती है, संसाधित करती है, उसे जो है आठ जो 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 सिद्धांत हैं, वही आठ सिद्धांत जो ओईसीडी के सिद्धांत सिद्धां उनके आधार पर उनका पालन करना अनुपालन करना अनिवार्य बनाया गया है डेटा को निष्पक्ष और वैध प्रसंस्करण अनिवार्य है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा डेटा प्रोसेसिंग केवल सीमित उद्देश्य के लिए की जा सकती है जो पर्पजेस के लिए की जा सकती है उसी परपजेस के लिए होनी चाहिए डेटा uh, पर्याप्त प्रासंगिक और अत्याधिक नहीं होना चाहिए डेटा शुड बी इनफ इट शुड बी रेलिवेंट एंड इट शुड नॉट बी एक्स्ट्रा फॉर द पर्पस फॉर व्हिच इट इज इंटेंडेड डेटा सटीक होना चाहिए मतलब सही होना चाहिए डेटा को आवश्यकता से अधिक समय तक संग्रहित ना करें जिस काम के लिए आपने डेटा कलेक्ट किया था अगर वो काम पूरा हो गया है वो डेटा को नष्ट कर दें डेटा का डेटा सब्जेक्ट डेटा सब्जेक्ट के अधिकारों के अनुसार संसाधित किया जाना चाहिए हर डेटा सब्जेक्ट के अधिकार शायद अलग हों डिपेंडिंग ऑन वो किस देश में रहता है किस प्रजाति से आता है किस आयु वर्ग से आता है सीनियर सिटीजन के लिए रूल शायद अलग हों बच्चों के लिए रूल शायद अलग हों तो डेटा सब्जेक्ट के अधिकारों के अनुसार उसको संसाधित करना चाहिए उसका यूज़ करना चाहिए डेटा को हर समय सुरक्षित रखना आवश्यक है सबसे आवश्यक डेटा को ऐसी जगह नहीं भेजना है ऐसी जगह स्थानांतरित नहीं करना है जैसे कि कुछ एशियाई और कुछ अफ्रीकी देश हैं, जहां पे डेटा सुरक्षा की पर्याप्त प्रणालियां नहीं हैं और वो डेटा लीक होने की प्रबल संभावना है ये बहुत अधिक आपको ध्यान रखना है मित्रों अभी कुछ दिन पूर्व एक घटना हुई थी आप लोगों ने शायद उसमें न्यूज़पेपर में पढ़ा हो या टीवी में देखा हो जब एक माननीय संसद सदस्य अम्म महिला संसद सदस्य वो भारतवर्ष में ही थी और ऐसा पाया गया कि जो वो जिस आईपी एड्रेस से वो आ, संसद में सवाल भेज रही थी अपने आईडी और पासवर्ड से जो अहस्तानंतरणीय है नॉन ट्रांसफरेबल है वो भारत के बाहर दुबई में एक्सेस हुआ था आपको नहीं लगता ये डेटा संरक्षण नियम का अनुपालन नहीं है आपको नहीं लगता ये क्योंकि पार्लियामेंट में पूछे जाने वाला सवाल है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक हो सकता है तो ये कुछ विषय है जो सोचने वाले हैं ऐसी जगह डेटा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार या पार्लियामेंट इसका संज्ञान ले और उचित नियम बनाए कि ये इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी ना हो तो क्योंकि ऐसी जगह पे डेटा नहीं भेजना चाहिए जहां पे उसके पर्याप्त सुरक्षा प्रणाली ना हो मित्रों मित्रों जो अंग्रेजी कानून है उसके तहत जो डेटा संरक्षण की अगर हम बात करें तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा अमरीकी कानून को देखने के बाद और आ, उनके जो कोपा के अलावा उन्होंने कोई कानून तो बनाया नहीं है आ, और ये जो यू का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको देखने के बाद दोनों की स्टडी करने के पश्चात मैं ये अवश्य कहूँगा कि अन्य देशों के मुकाबले अन्य देशों की तुलना में डेटा सुरक्षा के लिए यूरोप में सबसे ज़्यादा कटिबद्ध देशों में दुनिया में सबसे ज़्यादा कटिबद्ध देशों में ऐसा लगता है यूके है इनफैक्ट यूके का मॉडल को अन्य यूरोपीय देशों ने अपनाया है उसी को जो है यूके मॉडल को अपने अपने कानूनों में लेकर आने का प्रयास किया है इस कानून के कुछ प्रावधान भारत के जो ऑनलाइन माहौल के लिए भी बिल्कुल उपयुक्त हैं शायद इसीलिए यूके का जो डेटा संरक्षण अधिनियम है उसको जो है उसने हमारे जो डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, 2023 का डेटा संरक्षण अधिनियम है उसको भी प्रभावित किया है डेटा संरक्षण अधिनियम 1999 की दो प्रोविजंस का मैं उल्लेख करना चाहूँगा यूके के एक तो धारा पंद्रह दो वो कहती है कि वो बस कि धारा सात के तहत अनुरोध किया गया सूचना का उचित तरीके से अनुपालन हुआ है या नहीं और दूसरा ये देखना है कि क्या डेटा नियंत्रक द्वारा डेटा सुरक्षा सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है या नहीं सो ये दो उसके एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो मुझे लगे इसलिए मैंने आपको यहां बताया मित्रों हमारा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का उसमें गोपनीयता को लेके शायद उस समय संसद ने इसको जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं दी ऐसा लगता है एक ही प्रावधान है सेक्शन बहत्तर जो धारा बहत्तर है वो ये कह संसद ने व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी की गोपनीयता के पहलू से इसको काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया है आ, आ, ऐसा हो सकता है कि कोई स्पेशल लॉ बाद में आए ऐसा हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अमेंडमेंट लाया जाए ऐसा हो सकता है भारतीय न्याय संहिता में कुछ इसमें जोड़ किया जाए बट आ, हो सकता है आने वाले वर्षों में इसमें लेकर लीगल रेजिम बदलेगी क्योंकि गोपनीयता का उल्लंघन जो है आ, जो प्रिवेसी एंड आ, वायलेशन ऑफ प्रिवेसी गोपनीयता और गोपनीयता का उल्लंघन ये जो है सेक्शन बहत्तर का टाइटल है और वो कहता है कि, कि किसी भी व्यक्ति पर लागू ऐसा व्यक्ति जिसको इस अधिनियम यानी इस कानून के तहत या इस कानून के तहत बनाए गए नियम या विनियम यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत कोई भी शक्ति प्रदित की गई है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पुस्तक रजिस्टर पत्राचार सूचना दस्तावेज तक पहुंच सुरक्षित उस ऐसे व्यक्ति ने कर ली है जो कोई व्यक्ति है जिसको कोई शक्तियां प्रदान की गई हैं और उसने उन शक्तियों का मिसयूज़ करके किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दस्तावेज रजिस्टर पत्राचार आदि तक पहुंच गया है और डेटा लीक कर दिया है यदि कोई व्यक्ति डेटा सब्जेक्ट की सहमति के बिना यदि कोई ऐसा व्यक्ति यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये कुछ पावर्स है कुछ कुछ शक्तियां हैं मतलब ये कोई सरकारी कर्मचारी है जिसके पास ऐसी कुछ पावर्स है आ, वो डेटा सब्जेक्ट की सहमति के बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पुस्तक या रजिस्टर पत्राचार इसको अगर लीक कर दे तो दो साल तक कारवास का प्रावधान है एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है आ, मित्रों इसमें जो है ये सीमित है इसका इंटर एक्शन तो ये कोई बिजनेस या कोई प्राइवेट पर्सन के पे लागू नहीं होता ये केवल शासकीय कर्मचारी जैसे एडजुटिकेटिंग ऑफिसर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी या सीआरएटी या कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ इन पर ही लागू होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनको आईटी एक्ट के तहत कुछ शक्तियां प्रदत्त की गई हैं और उन शक्तियों के अनुसरण की जानकारी सुरक्षित रखना इनका काम है उन शक्तियों के द्वारा प्राप्त जानकारी को आ, सुरक्षित रखना इनका काम है बट वो उसको लीक कर देते हैं तो ऐसे ही सिचुएशंस में इन्हीं व्यक्तियों के लिए आ, ये ये जो पी, आ, पीनल प्रोविजन है ये है तो ये सीमित यानी कि लिमिटेड पीनल प्रोविजन है बात की थी कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आ, आ, कोई इस पर सुरक्षा मानक नहीं है विभिन्न देशों में गोपनीयता के प्रति जो धारणा है उसमें स्पष्ट अंतर देखा जाता है आ, एक तरफ आ, अमेरिका है जहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है या आपको पिज्ज़ा ऑर्डर करना है आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना होगा सोशल सिक्योरिटी नंबर देना होगा और दूसरी तरफ यूरोप है जहाँ पे लोग अपनी निजी जानकारी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के प्रति बहुत ही ज़्यादा सजग है भारत जैसे देशों में इसकी प्रति जो अवेयरनेस uh, है वो बढ़ती जा रही है uh, पर uh, विश्व के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं uh, जो अफ्रीका में जो यूरोप के कुछ देशों को छोड़कर एशिया में आ, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं खासतौर पे मैं कहूँगा एशिया और अफ्रीका में जहाँ पे प्रिवेसी का कंसेप्ट ही नहीं है विकासशील देशों में जो है डेटा गोपनीयता की कोई अवधारणा कोई कंसेप्ट ही नहीं है अमेरिका जैसे शक्तिशाली आर्थिक रूप से आ, मजबूत देश में आ, लोग लगभग हर सेवा हर सर्विस तक पहुंचने के लिए नियमित रूप से क्रेडिट कार्ड लेन देन के लिए नियमित रूप से ड्राइविंग लाइसेंस नंबर सामाजिक सुरक्षा नंबर इस तरह की अपनी निजी जानकारी प्रदान करते रहते हैं यूरोप में लोग इसके प्रति अधिक चिंतित अधिक सजग है और बाधाएं लगाते रहते हैं ताकि कंपनियां जो है निजी जानकारी एकत्रित ना करें निजी जानकारी का व्यापार ना करें निजी जानकारी को इस तरह से डेटा सब्जेक्ट की जानकारी के बिना बेच ना दें किसी थर्ड पार्टी को और गोपनीयता पर थोक में हमला ना हो सके होलसेल में व्यक्ति की गोपनीयता को डिस्ट्रॉय ना किया जा सके मित्रों एक ऐतिहासिक फैसला आया है भारत में जो 2017 में पहले पांच और फिर उसके बाद नौ जजों की खंडपीठ ने एक बहुत ही शानदार फैसला दिया है के एस जस्टिस सेवानिवृत्त के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ वाले केस में मोबाइल फोन जैसे सेवाएं या कोई भी बहुत सारी अन्य सेवाओं के लिए लोगों को आप कटिबद्ध नहीं कर सकते मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको आधार नंबर देंगे और उसके बाद ही आप उनको वो सेवा प्रदान करेंगे इस केस के निर्णय के बाद ही जो मैंने आपको पूर्व के एक लेक्चर में बताया है मास्ट आधार नंबर शुरू हुए कि या वर्चुअल आधार नंबर शुरू हुए जिसमें आपको अपने आधार के पहले बारह अंक बताने की आवश्यकता नहीं है या कोई रैंडम वर्चुअल आधार आपको मिलेगा सो ये जो है ये एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ है आमतौर पर स्वीकृत कोई वैश्विक मापदंड या मानदंड ना होने की आवश्यकता में गोपनीयता का उल्लंघन प्राइवेसी का वायलेशन इस 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 दिशा में हमें कार्य करने की आवश्यकता है दुनिया भर के देशों को साइबर कानून के बहुत से अन्य मुद्दों की तरह यहां भी मुख्य जो खलनायक है मुख्य विलन जो है वो एक का अभाव लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है एक का अभाव अगर यूनिफॉर्मिटी हो जाए तो बहुत सी ये समस्याएं ठीक हो सकती हैं और ये प्रिवेसी की समस्या भी ठीक हो सकती है मान लीजिए सभी लोगों ने यूरोपीय देशों की तरह समान कानून बना लिए देखिए पूर्व में भारत में हर स्टेट में अलग किस्म का ड्राइविंग लाइसेंस होता था तो आपका अगर तमिलनाडु में तीन बार चालान हो सकता है हो चुका है तो दिल्ली में जो ट्रैफिक पुलिस है उनको पता ही नहीं है कि आपका जो है तीन बार चालान हो चुका है अब वन नेशन वन ड्राइविंग लाइसेंस तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे कहीं पे भी एक बार भी चलान होता है देश भर की ट्रैफिक अथॉरिटीज़ को पता चल जाता है कि चलान हुआ है तो इससे डेफिनेटली जो है सड़कें हमारी सेफ़ होती जा रही हैं आ, सेम व्यक्ति को एक से ज़्यादा जगह क्योंकि वो आधार से लिंक कर दिया है एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा जगह पर ड्राइविंग लाइसेंस इशू ही नहीं हो सकता पूर्व में जो है व्यक्ति एक लाइसेंस बनवा लेता राजस्थान राज्य से एक तमिलनाडु राज्य से एक हरियाणा राज्य से दिल्ली राज्य से अभी वो सब आ, करना पॉसिबल नहीं है अगर आपने एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया तो आपका दूसरा बनना लगभग नामुमकिन है आ, साइबर कानून के अन्य मुद्दों की तरह ये एक समस्या है आ, वैश्विक मानकों मानकों को हमें विकसित करने की आवश्यकता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संवाद हो परिचर्चा हो इसकी आवश्यकता है बट ऐसे समय तक हर देश को क्या करना चाहिए कि वो अपने देश की विधि के अनुसार अपने विधि विधान के अनुसार व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने का पुरजोर प्रयास करे अपने सिस्टम्स के अनुसार अपने जो डोमेस्टिक लॉ के अनुसार मित्रों हमने जो है अभी पिछले घंटे भर में काफ़ी परिचर्चा कर ली इस पे दैट ये जो डेटा प्रोटेक्शन किस तरह से होना चाहिए इसका जो दायित्व किस पर होना चाहिए अब कुछ हम थोड़ी सी बात करें कि भविष्य में क्या कार्रवाई होनी चाहिए सबसे पहले तो जो व्यवसायी हैं जो बिजनेसेस हैं जो डेटा कलेक्टर्स हैं उनको जो 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 डेटा संग्राहक है उनको उन कंपनियों को शिक्षित करना आवश्यक है कि उपभोक्ता उपभोक्ता का डेटा सुरक्षित रखिए उसका क्या महत्व है उपभोक्ता आपके पास बिजनेस के लिए तभी आएगा जब उसको इस तरह का कॉन्फिडेंस होगा कि आप उसका डेटा सुरक्षित संरक्षित रखने में सक्षम हैं और इसका डेटा सुरक्षित रखते हैं उसकी इम्पोर्टेंस को आपको समझना बहुत आवश्यक है उद्योग समूह उद्योगों द्वारा आ, पहल होनी आवश्यक है कि वो निष्पक्ष Uh, सूचना प्रथा यानी कि फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस को व्यापक रूप से लार्ज स्केल पे अपनाए और अन्य लोगों को भी आ, अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें जहाँ जहाँ पे ये सेल्फ़ रेगुलेशन की रहजीम है वहाँ पे और अधिक लोगों को इस सेल्फ और अधिक बिजनेसेस को सेल्फ़ रेगुलेशन की रहजीम में लेकर आए लेकर जोड़ें अन्यथा ये सेल्फ़ रेगुलेशन की रजीम सफल नहीं हो सकेगी भारतवर्ष में एक वॉल्ट्री स्कीम आई जिसमें आप जो है अपनी आ, ये कुकिंग गैस की सब्सिडी को घरेलू गैस की सब्सिडी को आ, खत्म कर दें आ, गिव इट अप नाम था मुहिम का ये मुहिम सफल नहीं हुई क्योंकि ये इसमें स्वैच्छिक था अगर आप चाहें तो ही आप अपनी जो है सब्सिडी को ख़त्म कर सकते थे और बहुत कम लोगों ने अपना ऐसा विकल्प बनाया आ, थक हार के भारत सरकार ने इसमें जो है आ, वो स्कीम ही चेंज कर दी स्कीम का आर्किटेक्चर ही चेंज कर दिया उन्होंने कहा ठीक है सबको इतने सिलेंडर हम दे, दे देंगे आ, इस रेट पर और जो जरूरतमंद होंगे उनको इस रेट पर उस रेट से कम रेट पर दे देंगे तो ये जो अच्छा ऐसा ही कुछ आ, जो है आ, रेलवे कंसेशन के मामले में देखा गया जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं कईयों के पास धन की कमी नहीं होती और ये बहुत अच्छी बात है कि धन की कमी नहीं होती भारतीय रेल ने एक मुहिम चलाई कि अगर आप चाहें तो आप जो है पूरा पैसा दे फर्स्ट एसी ए में सफल कर सफ़र कर सकते हैं स्टूडेंट ये वरिष्ठ नागरिक कंसेशन में पचास ही देना होता है तो एक बॉक्स लगाया कि क्या पूरा पैसा देना चाहते हैं बट क्योंकि यह सेल्फ़ रेगुलेशन था ये भी सफल नहीं हुआ जहाँ जहाँ सेल्फ रेगुलेशन है प्रिवेसी को मेंटेन करने के मामले में स्वनियमन है तो वो सार्थक तभी हो सकता है जब डेटा गोपनीयता को रखने के लिए हम और ज़्यादा लोगों को इस 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 इस, इस तरफ लेकर आ सकें बड़े कॉरपोरेट्स को इस तरह का प्रयास करना चाहिए वचन देना चाहिए बड़ी कंपनियों को कि वो ऐसी वेबसाइट्स पे विज्ञापन नहीं देंगे अगर वो वेबसाइट जो है आ, निष्पक्ष सूचना प्रणाली निष्पक्ष सूचना प्रथा यानी कि फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का अनुपालन नहीं कर रही है आ। इस तरह के स्टेप्स से डेफिनेटली जो इस 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 एरिया में ट्रैक्शन देखने को मिलेगा इस एरिया में और ज़्यादा लोग डेटा प्रोटेक्शन ऑनलाइन डेटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सजग होते दिखाई देंगे और कंपनियां आगे आएंगी और छोटे व्यवसायी मध्यम व्यवसायी आगे आएंगे मित्रों तो आज एम एमएसएमई क्षेत्र माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस वो टेक ऑफ की स्थिति पर हैं ई कॉमर्स में उनका बड़ा हाथ होने वाला है ऑलरेडी उनका काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन है ई e कॉमर्स में इनमें काफ़ी बड़े स्तर पर विस्तार हो रहा है और जहाँ तक देखा जाए ई e कॉमर्स में संभावनाओं का, का खूब विस्तार हो रहा है आ, तो डेटा गोपनीयता नीतियों में आ, इन आ, इस, इस इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको अगर सजग किया जाएगा तो बहुत ही सार्थक और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स निकलने की उम्मीद है उद्योग जगत को प्रभावी तकनीक विकसित करनी चाहिए अपने प्रयासों के द्वारा उनको जो है अपने प्रयासों को आ, और ज़्यादा अधिक आ, करना चाहिए ताकि वो एक ऐसे उपकरण बना सकें जिनसे उपभोक्ता जो है वो अपनी ऑनलाइन ऑनलाइन गोपनीयता को सुरक्षित रख सके ऐसे कुछ उपकरण बनाए सामने लेकर आए मित्रों उपभोक्ता शिक्षा पे अगर हम ध्यान दें तो इंटरनेट पे जो गोपनीयता सुरक्षा के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है कई उपभोक्ताओं को आ, डेटा प्रिवेसी के बारे में पता ही नहीं होता है वो अपना डेटा अपने आप ही सबको बताते रहते हैं सब जगह डालते रहते हैं उनको इसके प्रति सजग करना है उनको डेटा की चोरी के प्रति सजग करना है आ, सरकार और कंज्यूमर ग्रुप्स उपभोक्ता समूह के साथ मिलके अगर उद्योग जगत भी इस पहल में आगे आए तो आ, जो है आ, ये प्रयास काफी सार्थक सिद्ध हो सकते हैं आ, मित्रों ये हमने कुछ बात की है आ, कि आ, किस तरह से हमारे भविष्य में हम डेटा प्रिवेसी डेटा प्रोटेक्शन की दिशा को और ज्यादा कारगर बना सकते हैं आ, आशा करते हैं आपको ये हमारे लेक्चर आज का पसंद आया होगा देखते रहिए स्वयं प्रभा और हम आपसे जल्द मिलेंगे एक और व्याख्यान में इसी साइबर क्राइम्स के कोर्स में धन्यवाद नमस्कार